गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में अब योगी सरकार सख्त एक्शन में। आरोपियों पर रासुका लगाने का निर्देश दिया तो वहीं ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट हादसा मामले में योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों पर रासुका लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार ने आरोपी ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद में मुरादनगर हादसे में जो आरोपी शामिल थे उन पर रासुका लगाने का निर्देश दिया गया है। इन सबके बीच यूपी पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। ठेकेदार अजय त्यागी की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया था और वह हादसे के बाद से फरार हो गया था। इस मामले में ईओ, जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। लापरवाही के मामले में चौथी गिरफ्तारी है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट का लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अब योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। इस घटना में इस हादसे के आरोपियों पर रासुका लगाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि इस शमशान घाट का जीर्णोद्धार का काम नगर पालिका की तरफ से कराया जा रहा था और इसका 50 लाख रुपए का टेंडर ठेकेदार अजय त्यागी को दिया गया था। जिस बरामदे का लेंटर गिरने से इतने लोगों की जान चली गई, उसे 2 महीने पहले ही बनाया गया था। बताया जा रहा है कि शमशान घाट गैलरी के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया था। ये हादसा उस वक्त हुआ जब लोग शमशान घाट में एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पहुंचे थे। दरअसल दयानंद कॉलोनी निवासी दयाराम की शनिवार की रात बीमारी के चलते मौत हो गई थी। रविवार को उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजन मुरादनगर स्थित एक शमशान घाट पहुंचे थे। अंतिम संस्कार में रिश्तेदार और आसपास के तकरीबन 100 लोग घाट पर पहुंचे थे। सुबह से हो रही बारिश के कारण लोग शमशान घाट परिसर में बने भवन के अंदर खड़े थे, तभी अचानक जमीन धंसने से दीवार बैठ गई और छत बरबराकर घिस गई, जिसके बाद इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। तो आप योगी की सरकार सख्त एक्शन में नजर आ रही है। इस हादसे के आरोपियों पर रासुका लगाने का निर्देश दिया है तो वहीं ठेकेदार अजय त्यागी को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया है।